मॉर्निंग एवरीवन, हो गई न्यू मॉर्निंग। देखिए बिंदी गिर गई, बिंदी लगा लेते हैं। मेरे घर में किसने काम लगा हुआ है ये देखिए, मेरे पापा भी काम करते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग है, छत पे आए थे फूल लेने। मैंने यहीं से अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं वो मेरे ब्लॉग पता नहीं क्यों पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं ये नहीं पता, पर जिस हिसाब से व्यूज़ जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हाँ मेरे ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो फटाफट से लाइक कर दें। तो देखिए यहाँ मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने आपको बताया कि मेरे घर में काम चल रहा है तो इस वजह से सारा सामान जो है अस्त व्यस्त हो रखा है। तो इस समय मेरा जो खाना है वो बरामदे में, आधी गृहस्थी बरामदे में। निशु स्कूल के लिए तैयार हो? ये क्या रखा है, डॉल है क्या ये? नहीं, कैट है। हाँ। ओके, किसका बैग है? मेरा। कौन लाया? पापा। थैंक यू बोला था? नहीं। ये तो बैड मैनर ना। यहाँ मिसू एकदम से रेडी हो चुकी हैं, और रेडी होने के बाद देखिए मोबाइल में अपना पोज दे रही हैं बड़ी खुशी से, और मेरा तो सारा काम हो ही चुका है। इधर दामनी भी लेके आ गई है जगुआ भर फूल पूजा करने के लिए, हो गया रेडी। इधर मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ, जो मेरा ये टेम्परी वाला किचन है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसा पड़ा हुआ है। लग ही नहीं रहा है ना कि मैं अपने खुद के घर में हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी किराए के मकान में एक कमरे का मकान है, वहीं पूरी गृहस्थी भरी पड़ी है। तो इधर मैं लौट के आई हूँ, इधर मैंने बना ली गर्मा गर्म रोटियाँ। तो ये था मेरा आज का खाना जिसमें दाल चावल सब्जी मैं मॉर्निंग में बना के गई थी, और रोटी मैंने लौट के सेकी थी और रखा था मट्ठा करने के लिए। तो मैंने सोचा फटाफट से अपना मट्ठा भी कर लेते हैं, और घर में काम भी लगा हुआ है तो मिस्त्री के पापा लगे हुए हैं लेबर लोगों के साथ काम करने में। ये देखिए कहाँ चढ़े हुए हैं, और जो मट्ठा किया हुआ था उसका मम्मी जी मेरी निकाल रही है मक्खन। और मेरे घर में क्या है, इस समय सिंक बेसिंग सब लगना है, टंकी लग रही है, तो इधर ज़मीन की देखिए कटाई छटाई हो रही है। तो मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। ये ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।